हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल, एनसीईआरटी साइंस ट्यूटोरियल। तो फिजिक्स का लेसन 9th में हमने इफेक्ट ऑफ प्रेशर और सबलिमेशन वगैरह देखा था। अब इसके बाद जो है हम आगे देखेंगे इवेपोरेशन और फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन और डेली एप्लीकेशन इवेपोरेशन का कहाँ कहाँ होता है, तो हम इसको देखेंगे। तो आगे बढ़े। तो जी हाँ फ्रेंड्स, अगला टॉपिक हमारा था इवेपोरेशन। एक्चुअली मैंने इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट में अपने 4th या 5th स्लाइड वीडियो में आपको थोड़ा सा बता दिया था कि व्हाट इज इवेपोरेशन एंड व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, क्या डिफरेंस है। इवेपोरेशन इज द प्रोसेस वेयर लिक्विड चेंज इन गैसियस स्टेट। इट इज क्वाइट सिमिलर टू बॉइलिंग, मीन्स बॉइलिंग ऑफ वाटर, थोड़ा सा मिलता जुलता है बट नॉट सेम, क्योंकि इवेपोरेशन जो है वो किसी भी टेम्परेचर पे होता है। पहली बात, इवेपोरेशन आपको रूम टेम्परेचर पे होता है और ये रेगुलर प्रोसेस है, रेगुलरली ये होते रहता है। इवेपोरेशन कभी स्टॉप नहीं होता है। इफ यू आर कीपिंग वन फुल ग्लास ऑफ वाटर इन योर किचन और इन एनी डार्क प्लेस, एट एनी डार्क प्लेस, आफ्टर सम टाइम और आफ्टर सम डेज यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व दैट की वाटर का लेवल थोड़ा डाउन हो गया है। ठीक है, क्या हो रहा है? आपने उसको हीट तो दिया नहीं बाहर से, तो कैसे वाटर का लेवल कम हो गया? क्योंकि इवेपोरेशन हो रहा है, परमानेंट प्रोसेस है और वो रेगुलरली आपके हर जगह आसपास हो रहा है। ओके, और एक चीज और थी, इवेपोरेशन जो है वो सरफेस फेनोमिनन है। सरफेस फेनोमिनन का क्या मतलब है, जरा हम देखते हैं। एक कंटेनर में, ये मान लीजिए हमने एक कंटेनर लिया, इसमें हमने ढेर सारा वाटर लिया। ठीक है, वाटर लिया मतलब ढेर सारे वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, वाटर के पार्टिकल होंगे। अंडरस्टूड? ये ढेर सारा वाटर लिया, तो दिस इज सरफेस फेनोमिनन। वाटर इवेपोरेट कहां से होगा? सरफेस से। पहले ऊपर वाले वाटर का लेवल इवेपोरेट होगा, फिर उसके बाद नीचे वाले का नंबर आएगा। और जबकि क्या था बॉइलिंग पॉइंट, क्या था? बल्क प्रोसेस था, मतलब पूरे कंटेनर में वो एक साथ चलता था। नीचे वाले जो पार्टिकल थे बॉइलिंग पॉइंट वाले, बॉइलिंग में, बॉइलिंग ऑफ वाटर में, वो भी बॉइल होना स्टार्ट करते थे। पर इवेपोरेशन में पहले सरफेस वाला वाटर इवेपोरेट होगा, उसके बाद नीचे वाले, उसके सरफेस के बाद वाले आएंगे। ये दोनों में डिफरेंस है। इसको हम थोड़ा सा रीड करेंगे और देखते हैं। इसको थोड़ा सा हम रीड करेंगे यहां से। Do we have need to heat or change pressure for changing the state of matter? मैंने आपको बताया था कि state of matter कब चेंज होगा, जब उसमें हम या तो pressure apply करेंगे या temperature apply करेंगे, दोनों में कोई एक करेंगे। But कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम बिना temperature change किए, बिना pressure भी change किए everyday life में आपका happen हो रहा है और वहां पे state भी change हो रहा है। Understood? मैं आपको इवेपोरेशन के बारे में ही बताना चाह रही हूँ, इसलिए इतना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ठीक है, तो ये इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है जहां पे कि बिना बॉइलिंग पॉइंट अचीव किए हुए, बॉइलिंग ऑफ वाटर में बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए था, पर इसमें कोई टेम्परेचर का क्राइटेरिया नहीं है कि 100°C होगा या कुछ होगा। इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे परमानेंट रेगुलरली चलते रहता है और स्टेट चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे कि आपका लिक्विड था वो गैस में, वेपर में बन रहा है बिना किसी टेम्परेचर के चेंज किए हुए। जैसे आपने नॉर्मली आपने देखा होगा अपने घर में भी, जब आप कपड़े डालते हो सूखने के लिए, ड्राई होने के लिए कपड़े डालते हैं, गीले कपड़े, ड्रेंच क्लोथ्स को आप डालते हैं, आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपन, क्या होता है? जो गीला कपड़ा था, जो वेट क्लोथ्स से, वो ड्राई होने लगे, उनके वाटर जो है वो इवेपोरेट हो गया वहां से। तो क्या आपने टेम्परेचर बढ़ाया? जितने बार आपने क्लोथ्स को बाहर डाला उतने बार टेम्परेचर बढ़ाया? नहीं, आपने वही नेचुरल एटमोस्फेरिक टेम्परेचर, वही प्रेशर रखा और टेम्परेचर जो आपका एटमोस्फेयर में उस समय रनिंग में होता है वही टेम्परेचर होता है। तो किसी भी टेम्परेचर पे आपने देखा कि वाटर जो है इमीडिएट गैसियस फॉर्म में बन के और निकल रहा है। तो दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, वेयर स्टेट चेंज विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एक्स्ट्रा एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर। क्या हुआ? वाटर इवेपोरेट हुआ, थोड़ा सा ही, थोड़ी हीट उसको मिली तो इवेपोरेट हो गया। इसको हम कैसे बोलेंगे कि वाटर का यहाँ इवेपोरेशन हो रहा है?
और क्यों हो रहा है? आपको पता है कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग, आपको जितने भी पार्टिकल होते हैं मैटर के वो मूव करते हैं, सॉलिड को अगर छोड़ दिया जाए तो लिक्विड और स्टेट में, सॉलिड में भी कुछ केसेस में बहुत प्रेशर वगैरह बहुत करने के बाद होता होगा, पर लिक्विड और गैस की हम बात करेंगे, एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस लिक्विड और सॉलिड, हम यहाँ लिक्विड और उसकी बात करेंगे, देयर आर पार्टिकल विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। किसी भी पार्टिकल में सॉलिड लिक्विड गैस हो, तीनों के पार्टिकल के मूवमेंट का कारण है अगर हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी। सॉलिड में तो मूवमेंट बहुत ना के बराबर था, नहीं था, गैस और लिक्विड में था। क्यों? क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स थे, उन पार्टिकल्स को हम बाद में एटम्स और मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, उनके जो पार्टिकल्स हैं उनमें जो काइनेटिक एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा थी जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो वो पार्टिकल जो है मूव करना शुरू कर देते हैं और वहां से एस्केप आउट होके जाने लगते हैं। अगर लिक्विड है, लिक्विड के पार्टिकल को क्या किया, लिक्विड के पार्टिकल मूविंग कंडीशन में थे और वो वहां से निकल के जाने लगे और गैस में जो है वेपर में चेंज होके एटमोस्फेयर में जा रहे हैं, तो इस वजह से कपड़े जो आपके हैं वो सूखते जा रहे हैं। इन द केस ऑफ लिक्विड अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट द सरफेस, काइनेटिक एनर्जी जो है सबसे ज्यादा गैस में होती है, इसलिए तो गैस को आप कहीं भी बंद करके रखते हैं। लिक्विड के अंदर जो है बहुत कम पार्टिकल होते हैं जिसकी काइनेटिक एनर्जी, उनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी क्या होती है, हायर होती है, और वो कहां पे होते हैं, वो उसके सरफेस पे होते हैं। मैंने क्या बोला आपको कि सरफेस फेनोमेनन है इवेपोरेशन, तो क्योंकि सरफेस पे जो लिक्विड होता है पहले वो इवेपोरेट करेगा, जब उसका लेवल चला गया फिर उसके नीचे वाले जो ऊपर सरफेस पे आ गया टॉप पे, फिर वो रिमूव होना वहां से स्टार्ट करेगा इवेपोरेट होना, तो ऐसे चलता है। और बॉइलिंग क्या है, बॉइलिंग पूरा बल्क प्रोसेस है, और जब काइनेटिक एनर्जी उस वाटर मॉलिक्यूल की इतनी ज्यादा हो जाती है तो वो अपने बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के, जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ तो लिक्विड के मॉलिक्यूल और लिक्विड के पार्टिकल जो थे वो क्या हो गए, वेपर में गैसियस फॉर्म में चेंज होने लगे। इस फेनोमेनन से लिक्विड चेंज इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट किसी भी टेम्परेचर पे ये होगा, तभी तो इवेपोरेशन का प्रोसेस आपको होते रहता है, और इवेपोरेशन की वजह से एटमोस्फेयर आपका कूल रहता है। एटमोस्फेयर आपका ठंडा क्यों रहता है, जब हमें क्यों कहा जाता है ज्यादा ट्री लगाइए, क्योंकि ट्रीज जो है वो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ले रहे हैं और दूसरा इवेपोरेशन का जो प्रोसेस होते रहता है उनके माध्यम से वो होता है और पूरा एटमोस्फेयर कूल हो रहा है, वाटर मोलिक्यूल आपके ऊपर वेपर में कन्वर्ट होके जा रहा है। अब इसके क्या क्या फैक्टर्स है, इवेपोरेशन के फैक्टर्स क्या क्या है, तो आपके एनसीईआरटी में जो है हम उसको देखेंगे। पहला तो क्या है आपका, ये प्रैक्टिकल है, इसको आप देख लीजिएगा अपने से, सरफेस एरिया बढ़ने पे, सरफेस एरिया इंक्रीज करने पे इवेपोरेशन का रेट इंक्रीज करता है। आपको पता है मैं बार बार एक चीज बोल रही हूँ कि इवेपोरेशन इज द सरफेस फेनोमेना, इवेपोरेशन इज द सरफेस फेनोमेना, तो हम देखते हैं कैसे बढ़ता है। हमने बोला कि इवेपोरेशन इज द सरफेस फेनोमेना, तो मतलब कि अगर हमने एक कंटेनर लिया, ये कंटेनर लिया, ठीक है, और इसमें ढेर सारा वाटर है, इसको इवेपोरेट होके जाना है, वेपर बनना है, ये वाटर है, तो मैंने बोला कि ये सरफेस फेनोमेनन है, तो पहले सरफेस वाले वाटर जाएंगे ऊपर, जब ये चले जाएंगे तो दूसरे सरफेस वाले का नंबर आएगा, इस तरह होता है। लेकिन अगर सरफेस एरिया हमने बढ़ा दिया, जब सरफेस एरिया कंटेनर का हमने बढ़ा दिया, तो ये पूरा वाटर जो इसको अगर इसमें डाल दिया तो बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल सरफेस तक आ जाएंगे, जो अंदर थे वो भी सरफेस तक आ जाएंगे। ये बात अलग है कि इसका लेवल जो है इस कंटेनर में, इसका लेवल अगर यहां तक रहा होगा तो इस कंटेनर में लेवल डाउन होगा, लेकिन लेवल डाउन होने से मतलब नहीं है, ज्यादा पार्टिकल्स ने, एक्स्ट्रा पार्टिकल्स ने, अधिक पार्टिकल्स ने सरफेस को कवर कर रखा है, इस सरफेस को, तो सरफेस एरिया बढ़ाने से अब यहां से भी इवेपोरेशन हो रहा है, यहां से भी हो रहा है और यहां से भी हो रहा है, चारों तरफ से अब इवेपोरेशन हो रहा है, तो एक लेयर को, हर जगह से एक लेयर अगर हट रहा है तो एक लेयर को हटने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और इवेपोरेशन का प्रोसेस आपका फास्ट हो गया।
क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ने से ज्यादा मैक्सिमम मॉलिक्यूल आपके सरफेस पे आ गए और सरफेस फिनोमिनन होने की वजह से इवेपोरेशन फास्ट हो गया एरिया का। अब हम देखेंगे यही चीज इसमें समझाया हुआ है कि कैसे अगर एक कंटेनर में आप अगर एक बड़े से प्लेट में वाटर रखते हैं और एक ग्लास में रखते हैं तो किसमें ज्यादा होगा, तो वाटर वाला जल्दी ड्राई अप होगा, सॉरी प्लेट वाला। आप ये प्रैक्टिकल घर में भी करके देखिए, थोड़ा सा इक्वल अमाउंट का वाटर जो है ग्लास में भी रखिए और एक जो है एक प्लेट में भी रखिए। आफ्टर वन और टू डेज यू विल ऑब्जर्व दैट द वाटर केप्ट इन द प्लेट इज डिसअपीयरिंग फास्टर देन वाटर केप्ट इन द ग्लास, क्योंकि सरफेस फेनोमेनन है, सरफेस एरिया उसको ज्यादा मिल रहा है। दूसरा हमारा है, पहला हमारा ये हो गया इंक्रीज सरफेस एरिया, दूसरा है इंक्रीज इन टेम्परेचर, दूसरा हमारा है टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा। फिर मैंने बार बार बोल रही हूँ, टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जैसे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो गैसियस स्टेट में उनको आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो वाटर मॉलिक्यूल के बीच के अट्रैक्शन को तोड़ के वो सारे पार्टिकल सारे मॉलिक्यूल जो हैं गैस फॉर्म में बनना शुरू हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे। स्प्रेड होने का मतलब है उनके बीच की बॉन्डिंग टूट गई, अट्रैक्शन कम हो गया, तो अब वो गैस बन गए। इवेपोरेशन का दूसरा फैक्टर आपका इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, सॉरी इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तीसरा है ह्यूमिडिटी। जी हाँ दोस्तों, ह्यूमिडिटी का मैं समझाती हूँ। ह्यूमिडिटी बढ़ने से इवेपोरेशन का रेट कम होता है। कैसे होता है, आपने कभी देखा है, आप घर में अगर कपड़े सुखाते हैं, अब जैसे गर्मियों के दिन में अगर ड्राई समर का डे हो तो जो आपके वेट क्लोथ्स हैं वो क्या होते हैं, वो क्विकली ड्राई अप होते हैं कंपेयर टू रेनी सीजन। रेनी सीजन में आपको कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं, आपने प्रैक्टिकली घर में भी देखा होगा, क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन ह्यूमिडिटी की वजह से कम हो गया। ह्यूमिडिटी क्या है, मैं ये बताऊंगी ह्यूमिडिटी क्या है। ह्यूमिडिटी इज अ वॉटर कंटेंट इन एटमोस्फेयर, वॉटर कंटेंट इन एटमोस्फेयर। जब ऑलरेडी वाटर कंटेंट इसमें ज्यादा है एटमोस्फेयर में, तो उसके पास कैपेसिटी नहीं है कि और वाटर ले सके कपड़ों से, तो इस वजह से ह्यूमिडिटी की वजह से क्या हो जा रहा है, आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज कर रहा है। इसको हम ऐसे समझेंगे, थोड़ा सा हम देख लेंगे, इसको हम ऐसे समझेंगे कि ये हमारा एटमोस्फेयर है, ये हमारा क्या है एटमोस्फेयर है, ये भी मैंने एक एटमोस्फेयर बनाया, ये बनाया समर का, ये किसका बनाया, ये समर का एटमोस्फेयर है, किसका है ये समर का एटमोस्फेयर है, समर का लिख नहीं पा रही मैं, इसको सनलाइट से दिखा दे रही हूँ बना के, ये समर का एटमोस्फेयर है, ओके सन है, बहुत तेज सन की धूप आ रही है, ये समर का हमारा एटमोस्फेयर है, और ये जो है हमारा रेनी सीजन का है, ये रेनी सीजन का एटमोस्फेयर है, रेनी सीजन का, ये रेनी सीजन का एटमोस्फेयर है, रेन, ये रेन ड्रॉप्स हैं। तो मैंने बोला समर में कपड़े जल्दी सूखते हैं क्योंकि सनलाइट की वजह से रेन वाटर ड्रॉपलेट्स, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी इज अ वाटर ड्रॉपलेट वाटर कंटेंट इन एटमोस्फेयर, ये बहुत कम है, सनलाइट इतना तेज है कि ये बहुत ज्यादा कम हो गया। तो जो भी कपड़े अगर गीले कपड़े अगर वेपर बन के ऊपर जा रहा है तो इसके पास अभी एटमोस्फेयर के पास इतनी जगह है कि वो स्पेस है कि वो वेट क्लोथ का वाटर भी अपने अंदर ले सकता है, ले लिया इसने। बट जब ऑलरेडी रेनी सीजन में वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत ज्यादा है एटमोस्फेयर में, तो वेट क्लोथ का वाटर ड्रॉपलेट ये लेने में क्या होता है, ये ले नहीं पाता है, एटमोस्फेयर ले नहीं पाता है, क्योंकि सबकी एक कैपेसिटी है किसी चीज को रखने की, तो इसकी कैपेसिटी नहीं है अब कि ये वाटर ड्रॉपलेट्स कपड़े से ले ले, तो बस ये थोड़े थोड़े कभी कभी लेते रहता है, इस वजह से कपड़े ज्यादा टाइम के बाद ड्राई होते हैं। तो देखा आपने ह्यूमिडिटी का कैसे होता है, ऑलरेडी ह्यूमिडिटी क्या है, वाटर कंटेंट इन द एटमोस्फेयर और इन द एयर, तो ये आप हमेशा याद रखेंगे।
इंक्रीज विंड स्पीड होने से क्या होगा, विंड स्पीड हवा, हवा तेज होने से क्या होगा, विंड स्पीड बढ़ने से वाटर ड्रॉपलेट जो कि आपको वाटर कंटेंट जो आपको क्लोथ में था वो विंड के साथ चला जाएगा। और अपने साथ वाटर ड्रॉपलेट को ले गया तो कपड़े जल्दी सूखेंगे, इवेपोरेशन तेज हो जाएगा। ठीक है, इट इज कॉमन ऑब्जर्वेशन, ये तो कॉमनली आप घर में भी देखते हैं, आपको इसमें रटने की जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिकली उसको सोचिए घर में आपके इवेपोरेशन हो रहा है। इट इज कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे, जब हवा वाला दिन है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं, अगर सनलाइट नहीं भी है तो भी ड्राई होते हैं, बिकॉज विंड स्पीड कैरीज क्या करता है, विंड स्पीड कैरी करता है वॉटर वेपर को अपने साथ। तो ये हमारा हो गया चार फैक्टर। अब अगला हमारा, हाउ डज इवेपोरेशन काउज कूलिंग, इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो कूलिंग करता है, एक तो मैंने ट्री के एग्जांपल से बताया था, दूसरा कैसे बताया था, ठीक है, इवेपोरेशन में क्या होता है कि लिक्विड के जो पार्टिकल है जब वो गैस में बनने जा रहे हैं तो अपने आस पास की एनर्जी को क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, इस वजह से हीट जो है, आसपास की हीट जो है वो कम हो जाती है। तो यहां देखिए, द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, सराउंडिंग से लेगा तभी तो वो स्टेट चेंज करेगा, लेटेंट हीट वाला भी मैंने बताया था। द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवेपोरेशन, दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड, जब उसे स्टेट चेंज करना है उसने एनर्जी लिया हीट के फॉर्म में लिया मान लीजिए, अब उस एनर्जी को यूटिलाइज करके उसने गैसियस फॉर्म में बदल दिया और उसके बदले में उसने एटमॉस्फेयर को कूल कर दिया। उसके बाद हमारा अगला है, जब एसीटोन और नेल पॉलिश रिमूवर आप अपने पाम में डालते हैं, हाथों पे डालते हैं तो क्या होता है, तो वो पार्टिकल क्या करते हैं, आपके हाथों की जितनी भी एनर्जी होती है वो गेन करते हैं और गेन करके पार्टिकल इवेपोरेट हो जाते हैं। आपको पता है कि वो पॉलिश नेल पॉलिश रिमूवर जो है बहुत जल्दी इवेपोरेट होता है, तो वो आपके हाथ का हीट लेके इवेपोरेट हो जाता है, इसलिए आपको कूलिंग वाली फीलिंग आती है। फिर एक और है, आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम वाटर करेंगे तो वो हॉट सरफेस पे जब हमने वाटर स्प्रिंकल किया तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, और क्या कर रहा है, अपने साथ हीट लेके चला जा रहा है, तो इसलिए वो सरफेस कूल हो जा रहा है। आप कुछ एग्जांपल अपने घर से ढूंढिए और सर्च कीजिए। व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ इन समर, हम कॉटन क्लोथ को समर में क्यों पहनते हैं, एक चीज आपने देखा इसमें, एक हम पॉइंट इसमें देंगे, वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल एट द सर्फेस ऑफ लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, इवेपोरेशन के दौरान लिक्विड जो कि सर्फेस पे होता है अपने स्टेट को चेंज करना है तो वो एनर्जी तो लेगा, तभी स्टेट को चेंज करेगा, बॉन्ड उसके बीच की बॉन्डिंग की ब्रेकडाउन होगी, अट्रैक्शन कम होगा, ठीक है, तो एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग और बॉडी सर्फेस एंड चेंज इन टू वेपर, द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, उस हीट एनर्जी जो है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बराबर हो जाता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, हिडन हीट है जो कि लिक्विड से वेपर बनने में हेल्प कर रहा है। और वहां से वो लेटेंट हीट लेके और जहां जिस सरफेस पे ये प्रोसेस हो रहा है उसको कूल करवाता है, तो हमारी बॉडी से क्या कर रहा है, वो हमारी बॉडी से बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट, जब स्वेटिंग होती है तो वो वहां से क्या होता है, कॉटन जो है एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके उसको इवेपोरेट करवा देता है एटमॉस्फेयर में, तो हमारी बॉडी कूल फील करती है। एक चीज और आपका है, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर, लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर,
Soon we will see water droplet on the outer surface of the tumbler. The water vapor present in air on coming in contact with cold glass. जब ठंडे ग्लास के वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, जब जो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है वो ग्लास के कॉन्टेक्ट में जैसे आते हैं वो एनर्जी अपनी लूज कर देते हैं एंड गेट कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट. और जब एनर्जी जब लूज कर दी तो वो लिक्विड में आ गया, और उस लिक्विड को गैस में जाने के लिए क्या करना था, एनर्जी को गेन करना था, और इसी वजह से वाटर ड्रॉपलेट हमें दिखाई देता है. इसका रीजन एक कंडेंसेशन भी इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को कंडेंसेशन से भी ये चीज होता है. ठीक है, क्योंकि कंडेंसेशन प्रोसेस भी तो वही है, गैस से लिक्विड में आना, यही सेम चीज यहां पे हो रहा है, कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट. ठीक है, तो ये आपका आपका एनसीईआरटी का लेसन वन का कंप्लीट हो गया. एक क्वेश्चन है, व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे, क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन वहां बहुत ज्यादा हो जाता है हॉट ड्राई डे में. और बारिश के दिन में कूलर काम नहीं करता है क्योंकि ऑलरेडी वहां ह्यूमिडिटी होती है, तो इस वजह से जो है एक्स्ट्रा जो इवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा है, हीट आपके कमरे से जो लेके जाना है, वाटर वेपर जो लेके जा रहा है, वो प्रोसेस वहां नहीं कम हो जाता है. लेकिन ड्राई डे जैसे कि गर्मी के दिन में कूलर अच्छा काम करता है क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जा रहा है टेम्परेचर से. फिर हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट बिकम कूल ड्यूरिंग समर, ये भी है, उसमें स्मॉल पोर्स होते हैं, पोर्स की वजह से इवेपोरेशन का प्रोसेस होते रहता है. व्हाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन, ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा जब पाम पे हम रखते हैं, आपको क्या रखते हैं, किरोसिन एसीटोन रखते हैं, तो वो इवेपोरेट हो जाता है, लेकिन हमारे हाथ का जो हीट है उसको लेके वो इवेपोरेट होता है. तो इसका आंसर ये है, व्हाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सॉसर रेदर देन अ कप. हम एक अगर कप में लेते हैं, कप का सरफेस एरिया कम है, और जब हमने कोई सॉकर या सॉसर लिया तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, तो सरफेस एरिया में रेट ऑफ इवेपोरेशन आपका ज्यादा होगा. जब रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो वो चीज जल्दी कूल हो जाएगी. तो हॉट टी को जब हमने उसमें रखा, किसी बाउल में रखा जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो उसमें क्या हुआ, इवेपोरेशन तेज हो गया और वहां पे कूलिंग इफेक्ट आने लगा, और चाय थोड़ी ठंडी हो गई, हमने इजिली पी लिया, वी हैव टेकन easily. What type of clothes should we wear in summer? क्या करना चाहिए समर में? Cotton, क्योंकि evaporation का अच्छा काम करता है. एक और है, now scientists are talking of five state of matter, solid, liquid, gas. मैंने आपको पिछले videos में बताया था कि दो और जो है आपको state of matter है, ये है plasma and Bose-Einstein condensate. प्लाज्मा द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल, बहुत एक्साइटेड पार्टिकल होते हैं, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, दिस पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज गैसेस के फॉर्म में होते हैं. द फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, इन साइड अ नियॉन साइन बल्ब देयर इज अ नियॉन गैस, एंड इन साइड अ फ्लोरेसेंट ट्यूब देयर इज अ हीलियम गैस और सम अदर गैस. द गैस गेट्स आयोनाइज, दैट इज गेट्स चार्ज व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो थ्रू इट, और जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो होती है तो वो आयोनाइज हो जाते हैं, और दिस चार्जिंग अप क्रिएट्स अ प्लाज्मा ग्लोइंग इनसाइड द ट्यूब और बल्ब. अब जब चार्ज होते हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, तो इस वजह से उसमें अंदर जो है प्लाज्मा ग्लो करने लगता है, इस वजह से हमें रोशनी मिल रही है. ठीक है, इसके बाद एक और था, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट. इन 1920 इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस had done some calculation for fifth state of matter. ठीक है, और उस मैटर का उसका नाम दिया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट. तो इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला गया था, दिया गया था, और इसके बारे में बहुत ज्यादा हमें नहीं देखना है.
ठीक है, तो हमारा एनसीईआरटी का जो है यहाँ तक कंटेंट हो गया। अब अगले जो वीडियोस होंगे, एक तो मैं एक एनसीईआरटी सॉल्यूशन कराऊंगी और एक वीडियो मैं लेके आऊंगी आप लोग के लिए नोट्स के लिए, क्योंकि नोट्स पढ़ना और लास्ट टाइम में एग्जामिनेशन के टाइम में नोट्स बहुत यूजफुल होता है अगर आपके पास बना बनाया हो तो। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए अगर तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी जो भी मैं न्यू वीडियोस भेजते रहूं और इम्पोर्टेंट चीजें वो आप तक जाए। और उसके बाद लाइक बटन दबाइए और शेयर भी जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।